हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी गिवन बीसी इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर, सीडी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, एडी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 95 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बीसी, सीडी एंड डीए में से किसी एक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, पहले बीसी ड्रा करेंगे, ठीक है। उसके बाद 95 डिग्री एंगल बना करके 4.4 सेंटीमीटर का सीडी ड्रा करेंगे। आफ्टर दैट एंगल 100 बनाएंगे डी पर और आपको यहाँ पर स्केच कर लेंगे 5.6 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो पहले तो रफ स्केच बनाना आपको जरूरी बनता है, तो रफ स्केच बना लीजिएगा। अब 6.6 सेंटीमीटर का हम बीसी लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं। तो हमने बीसी 6.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींच लिया है। अब सी पॉइंट पर 95 डिग्री का एंगल बनाएंगे यूजिंग प्रोटेक्टर। ध्यान दीजिएगा, सी पर हमें 95 बनाना है, मीन्स बी के तरफ से इधर हम राइट की तरफ जाएंगे, मीन्स आपको नीचे वाला स्केल यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर 10, 20, 30, 40 ऐसे करके हम 95 तक पहुँचेंगे, यहाँ पर 90 एंड 100 के बीचों बीच। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, आप देख सकते हैं 95 मैंने एक पॉइंट बना लिया है। तो सी पॉइंट से हम एक लाइन एक ड्रा करेंगे और ये हो गया आपका सी एक्स। यहाँ पर एंगल बन चुका है आपका ये 95 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सी से क्या करेंगे, सी को सेंटर मान करके 4.4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक आर्क खींचेंगे यहाँ पर और ये सी एक्स को कट करेगा पॉइंट डी पर। तो हमें ये पॉइंट मिल गया डी। डी पॉइंट पर हमें 100 डिग्री का एंगल बनाना है। अगेन हम यूज करेंगे प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर यूज करके बना लेंगे यहां पर 100 डिग्रीज। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर डीसी नीचे की तरफ है, तो आप ये ऊपर वाला नहीं बल्कि नीचे वाला स्केल यूज करेंगे, ठीक है। ये अंदर वाला स्केल, छोटा वाला स्केल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 100 कहाँ है, तो आपका यहाँ पर है 100। यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे, हमने मार्क कर लिया यहाँ पर 100 पर। हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे डी वाई। ओके, तो हमने इस डी पॉइंट से और यहाँ पर जो मैंने मार्क किया था 100 डिग्री एंगल के डायरेक्शन में एक पॉइंट, उसके डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर लिया और ये आपका लाइन है डी वाई। अब डी वाई पर हम एक आर्क ड्रा करेंगे डी को सेंटर मान करके और 5.6 सेंटीमीटर के रेडियस लेकर के, तो आपको पॉइंट ए मिल जाएगा। तो हमने सिर्फ 5.6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रा कर लिया है और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ए पॉइंट आपको मिल चुका है। अब ए बी ज्वाइन कर देंगे। सो हमने ए बी ज्वाइन कर लिया, सो हमें मिल गया है ए बी सी डी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल जो आपको ड्रा करना था, आपको कंस्ट्रक्ट करना था। सो आप समझ चुके होंगे कैसे करना है आपको इसको कंस्ट्रक्ट। तो यदि आपको अच्छा लगा कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ओके। यदि डाउट नहीं भी है तब भी कमेंट करेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।